गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज का टॉपिक है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल विद जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट। नाउ हमने लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में पढ़ा था कि जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है तो उसके लिए आप लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल रूप का आप यूज कर सकते थे। ओके, बट यहाँ पे एक नया वर्ड है, जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट। अगर आपको कंस्ट्रेंट का मीनिंग नहीं पता तो लाइक मान लो कि जैसे आपका रेजिस्टर है, ओके, वो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो वो एक आपका कंस्ट्रेंट हो गया। ओके, करंट के फ्लो के लिए वो आपका क्या हो गया, जो भी आपका रेजिस्टर है वो एक आपका कंस्ट्रेंट हो गया। तो वैसे ही आपका क्या है कि जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होगा कि जनरेशन के अंदर ऐसा कुछ अपोजिंग कुछ ना कुछ इक्विपमेंट है या कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो जनरेशन रेट के कंस्ट्रेंट है। नॉर्मली आपका जो भी कोई भी पावर जनरेशन ले लो, लाइक मान लो कि थर्मल पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ओके, आफ्टर देन सोलर सिस्टम है, ओके, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो उसके अंदर आपका जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैविंग एवरी पावर जनरेशन नेटवर्क जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी आपका जनरेशन रेट है, ओके, वो जनरली 3% पर मिनट होता है, और कहीं कहीं आपके जो भी जनरेशन होते हैं वहाँ पे आपके जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट जो भी होंगे वो 5-10% होते हैं। ठीक, तो अगर मान लो कि एज ए एग्जांपल अगर आप स्टीम पावर स्टेशन की बात करते हो तो उसमें आपका जनरली क्या होता है कि जो भी आपका हीट है, ओके, उसका यूज होता है, ओके, हीट एनर्जी का यूज़ होता है ना उसमें, तो स्टीम पावर प्लांट में स्टीम का यूज़ होगा या मान लो कि हीट का यूज़ होगा, तो उसमें जो आपका रीहीट यूनिट होता है ना, ओके, वो काफ़ी कम होता है। उसके एग्जांपल से आप ये बोल सकते हो कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो भी आपका रीहीट यूनिट्स हैं, ओके, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जनरली कि रिपीट यूनिट्स हैं, ओके, वो कितने होंगे, 3% पर यूनिट होंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका मेनली जनरेशन रेट कंस्टेंट है उसके लिए आप ये सिस्टम कंसिडर कर सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे आपका मेन इनपुट है, यहाँ पे मेन आपका आउटपुट होगा, ओके, यहाँ पे ये जो भी आपका है, ओके, उसको पावर रेट लिमिटर बोला जाएगा, या आप मेनली इस पर्टिकुलर TSG मैक्सिमम और TSG मैक्सिमम इन माइनस, ओके, वो आपकी क्या है, पावर रेट लिमिट है कि आपका मिनिमम का इतना होना चाहिए और मैक्सिमम आपका इतना हो सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव के अंदर। ठीक, और दूसरी एक चीज़ कि जो भी आपका डेल्टा YE है, ओके, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में है, जी मैक्सिमम के प्रोपोर्शनल में, यानी कि जो भी आपका मेनली ये है, ओके, जो भी आपका आउटपुट चेंज होगा, ओके, यहाँ पे आपका डेल्टा हम रख देते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, जी मैक्सिमम के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक, अब पावर रेट लिमिट होता है, ओके, उसको आप प्रैक्टिकल कंडीशन में कैसे लिमिट कर सकते हो, जो हम बात कर रहे हैं ना जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट के बारे में, ओके, जहाँ पे आपको कुछ 3% पर मिनट ऐसे कुछ आपको रेटिंग मिलते हैं और 5-10% ऑफ पर मिनट आपको कुछ रेटिंग यहाँ पे मिलते हैं, ओके, तो उसको लिमिट करने के लिए आपको क्या यूज़ कर सकते हो मेनली पावर जनरेशन स्टेशन के अंदर, तो आप स्टीम पावर प्लांट के अंदर वाल्व यूज़ कर सकते हो, किसी किसी के अंदर आप गेट कंट्रोल यूज़ कर सकते हो, ओके, तो उससे आपका 3% पर मीन होगा, ओके, वो आप इतना लिमिट कर सकते हो, ओके, और अगर मान लो कि आपको 10% तक उसको क्या करना है, लिमिट करना है, तो उसके लिए आपको बैंडेड वाल्व यूज़ करना पड़ेगा। ठीक,
तो ये था आपका जनरेशन रेट कंस्ट्रेंट, ओके, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका कोई भी गवर्नर सिस्टम है ओके उसके लिए आप ये सिस्टम कंसिडर कर सकते हो. थैंक यू सो मच.